गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। आगे इस वीडियो सेशन में बात करते हैं सूजन की, शरीर में सूजन आती क्यों है, उसका कारण क्या है, और वीडियो के अंत में देख लेंगे कि कौन सी दवा लिया जाए ताकि सूजन शरीर की कम हो, और सूजन ही कम नहीं हो, सूजन का कारण क्या है वो ठीक हो। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आने वाली है आपको। तो देखिए, जो ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी में लगभग 60% के आसपास पानी होता है। अगर 60% पानी है तो शरीर की व्यवस्था ठीक चलेगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस ठीक चलते रहेंगे। अगर ये जो लगभग 60% पानी है, इतना परसेंट के लगभग, यानी 2-4% कम और ज्यादा भी हो सकता है अलग अलग ह्यूमन में, तो इस तरह से इतना पानी है, अगर यही बढ़ गया तो शरीर में क्या आएगी, सूजन, यानी स्वेलिंग का मोटा सा मेन कारण क्या है कि एकोमुलेशन ऑफ वाटर, पानी इकट्ठा हो गया है, जिसको निकल जाना चाहिए था वही इकट्ठा होने लगा, तो शरीर में सूजन आनी स्टार्ट होगी। अब सूजन अलग अलग भागों में है तो अलग अलग उसका नाम देते हैं। जैसे किडनी में सूजन है तो उसका अलग नाम है, लीवर में सूजन है तो अलग नाम है, इसी तरीके से कई तरीके संभावनाएं हो सकती हैं इस बात पे कि कहां पे सूजन है। जैसे लिखा है ड्रॉपसी या फिर एसाइटिस, दोनों का मतलब एक ही होता है कि पेट में सूजन है, यानी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो आंते जिसको आप बोलते हैं, उसमें सूजन है। यहां पे लिखा है एनासार का, यानी पूरी बॉडी में सूजन है पानी इकट्ठा होने की वजह से, स्वेलिंग है, यानी सर से लेकर के पैर तक जनरलाइज्ड है, शरीर के सभी भाग में सूजन है, मतलब पानी इकट्ठा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनासार का। और ये हाइड्रोथोरेक्स, यानी यहां पे क्या है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी जो लंग है, उसमें पानी आ गया है। तो इस तरह से जो पानी इकट्ठा हो रहा है, नॉर्मली इतना परसेंट लगभग होना चाहिए था लेकिन इससे बढ़ गया है, तब सूजन आ गई है। शरीर के अलग अलग पार्ट में सूजन का अलग अलग नाम है। यहां पे हम लोग एक जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं कि पूरे शरीर में सूजन है तो उसका कारण क्या है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि ये जो स्वेलिंग का मेन कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए यहां पे इस तरह से ढेर सारी सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स हैं, इसी में से आर्टरी और वेंस पास होती हैं, तो ये जो आर्टरी है ये ब्लड ले आती है और इधर से जब वापस ले जाने लगती है तो इसी को क्या बोलते हैं आप, वेंस बोलते हैं। यानी यूं समझ लीजिए कि आर्टरी से आ रहा है, पूरा फ्लूइड्स आर्टरी की सहायता से आ रहा है और वेन की सहायता से इकट्ठा होकर फिर कहां पहुंच रहा है, इस हार्ट के पास पहुंच रहा है, यही हार्ट है। तो आने की प्रक्रिया और वापस जाने की प्रक्रिया अगर ठीक बनी हुई है तो कहीं पे कुछ भी पानी इकट्ठा नहीं होगा, और पानी इकट्ठा नहीं होगा तो सूजन आने की संभावना नहीं है। अगर यही प्रक्रिया इधर आने की और इस तरफ वापस जाने की अगर इक्वल नहीं है तो संभावना बनती है सूजन होने की। तो इस तरह से यहां पे देखिए आ रहा है और वापस कम जा रहा है, तब यही पे इकट्ठा होगा और यही क्या आ जाएगा, सूजन। उसका कारण क्या है कि देखिए, जो हर्ट है पंप कर रहा है ब्लड को, तो पंप करके इधर से पहुंचाता है फिर वापस इकट्ठा भी करता है। तो एक व्यवस्था है शरीर में, बीमारी, जिसका नाम है रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन मीन्स क्या है कि ये जो हर्ट जितना पंप कर रहा है उसमें से 2-4% वापस जा रहा है, इसको बैक फ्लो बोलते हैं, यानी रिगर्जिटेशन मीन्स बैक फ्लो। यानी यूं समझ लिए कि इसने, हर्ट ने कहा कि 10 ml ब्लड आगे जाए, तो 10 ml आगे भेजना चाहता है लेकिन उसी में से 1 ml पीछे आ जा रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिगर्जिटेशन। तो अब रिगर्जिटेशन है, यानी हर पल्स में जितनी बार वो सिकुड़ फैल रहा है उसमें से कुछ ब्लड बैक फ्लो आ जा रहा है, क्योंकि वाल में कैल्सिफिकेशन है, वाल कठोर हो गए हैं, तो इस वजह से
रिगर्जिटेशन की वजह से और डिमिनिश फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्स, यानी पल्स जो है वो कम चल रही है, कुछ लोग बोलते हैं पल्स कम चलती है। तो एक तो एक व्यवस्था है कि रिगर्जिटेशन है यानी बैक फ्लो हो रहा है, दूसरा पल्स भी कम है, स्लो पल्स है। अब अगर स्लो पल्स है तो भेज तो रहा है, वापस कम कर, इकट्ठा कम कर रहा है, जितना आ रहा है तो आ ही रहा, वापस कम आ रहा है। जब वापस कम आएगा तो भी सूजन होगी, और शरीर में कहीं भी सूजन अगर हो जाती है, स्वेलिंग आ रही है, तब देखिए सिम्टम्स नाजिया, मिचली जैसा बनता रहता है, वोमिटिंग, उल्टी कभी कभार हो भी जाती है, और ड्राउसीनेस और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, जो पेशेंट है वो सांस लेने में दिक्कत आती है उसको, क्योंकि ओवरलोडेड हो गया है, जितना लोड होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया है, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, कुछ भी थोड़ा सा खाता है तो उल्टी जैसा होने लगता है या उल्टी हो भी सकती है। और ग्रेट थ्रस्ट विथ गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी, यानी प्यास खूब ज्यादा है, क्योंकि पानी जो इकट्ठा है वो तो शरीर में इकट्ठा है, ब्रेन में नहीं, ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है तो उसको हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं। तो इस जो पेशेंट में है कि ब्रेन में प्यास है लेकिन शरीर उसको क्या कर रही है कि नहीं, शरीर में ओवरलोडेड है, यहां पे पानी की कोई जरूरत नहीं है। तो कैन नॉट टॉलरेट फूड एंड ड्रिंक, कुछ भी खाता है कुछ भी पीता है तो उल्टी जैसा हो जाता है, इसलिए कि जो दिक्कत है वो इतने से नीचे वाले पोर्शन में है, गर्दन से नीचे वाले पोर्शन में पानी इकट्ठा है। ब्रेन को लगता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस को ठीक करने के लिए पानी की जरूरत है, तो पानी तो पीना चाहता है या फिर पीता है, प्यास लगी है उसको, लेकिन शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करे तो तुरंत वोमिटिंग कर देता है, उल्टी कर देता है। कैन नॉट टॉलरेट फूड एंड ड्रिंक, तो अब करना क्या है हम लोगों को, यानी यहां पे जो इकट्ठा है 60%+ जो वाटर इकट्ठा है उसी को कम करना है। अगर इसको कम कर दिया जाए, उसको वापस सर्कुलेशन में ला दिया जाए, यहां पे जो इकट्ठा है अगर इसको सर्कुलेशन में वापस ला दिया गया, तब सूजन धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो हमको एक ऐसी दवा चाहिए कि जो कि सिक्रेशन को बढ़ा दे, म्यूकस मेम्ब्रेन का और सीरस मेम्ब्रेन का सिक्रेशन बढ़ जाए, यानी यहां पे जो इकट्ठा है पानी वो वापस आ जाए इसमें। और वापस आने का एक ही तरीका है कि यूरिन का फ्लो बढ़े, पसीना ज्यादा है तो पसीने से भी कुछ वाटर लॉस होगा, और यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़े तो जो सीरस मेम्ब्रेन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऐसी होती हैं जो बॉडी में फ्लूइड्स बनाती हैं, जैसे आप कुछ खाते हैं तो मुंह में सलाइवा आ जाना, तो यहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन है, कुछ म्यूकस बनाती है। अगर आप म्यूकस ना बने तो कुछ चीजें आप ना खा पाए, जैसे जो सॉलिड चीजें हैं उसको ना खा पाए, तो इस तरह से जो सीरस और म्यूकस मेम्ब्रेन है उनके सिक्रेशन को बढ़ाना है, यही इकलौता एक तरीका ही है, तभी यहां से सूजन कम होगी। और होम्योपैथिक जो दवा है, यहां पे जो मिट्रल रिगर्जिटेशन है यानी जो हर्ट में थोड़ी दिक्कत है उसको भी ठीक करेगी, यहां पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन और जो सीरस मेम्ब्रेन और जो उसका जो सिक्रेशन कम है उसको भी ठीक करेगी। बेहतरीन दवाइयां कई हैं होम्योपैथी में, लेकिन इस तरह की व्यवस्था के लिए यानी जो स्वेलिंग है उसके लिए होम्योपैथी में अच्छी दवा है, उसका नाम है एपोसाइनम। एपोसाइनम बेहतरीन मेडिसिन है, कहीं पे भी किसी प्रकार की सूजन हो, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, तब आप एपोसाइनम दें उसको। एपोसाइनम इन सब व्यवस्थाओं को, जो मिट्रल रिगर्जिटेशन है और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड जो हार्ट का वाल्व है उसमें जो खराबी है उसको भी धीरे धीरे ठीक करेगा, और सीरस और म्यूकस मेम्ब्रेन के सिक्रेशन को भी कम करेगा। गठिया जो ज्वाइंट्स है, नी ज्वाइंट्स है, उसमें भी सूजन है उसको भी कम करेगा। तो यूं समझ लीजिए, एक मोटे तरीके से कहीं भी सूजन है तब आप इस मेडिसिन को ऐसे सिम्टम्स के बेसिस पर आप ट्राई कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा एपोसाइनम। एपोसाइनम कैनेबियम इसका पूरा नाम है, इसका आप मदर टिंचर ले लीजिए और इसका 15 बूंद 1/4 कप पानी में घोल के
तीन टाइम दीजिए, और इसको लेना है 15 से 20 दिनों तक लेना है। तो 15 से 20 दिनों तक लेने से इस तरह सूजन धीरे धीरे कम हो जाएगी। बात समझ में आई? तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इन्फॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।